नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। खबरों के सफर में हम वो अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका वास्ता सीधा आपसे है, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है, जो सत्ता के गलियारों से लेकर जनता जनार्दन के दहलीज पर अपना सर छोड़ती है। लेकिन उससे पहले हम 10 बड़ी खबरें से शुरुआत करते हैं, ऐसी खबरों के साथ जो हिंदुस्तान को चौंकाने वाली है, आप हिंदुस्तानी को झकझोरने वाली है, हमें सोचने पर भी मजबूर कर देने वाली है। विराट 24 न्यूज की पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में बुधवार की रात एक बस में भीषण आग लग गई। बस में सवार 18 यात्रियों को जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को लेकर बस कराची से कैरपुर नाथन शाह इलाके में जा रही थी, लेकिन सुपर हाईवे पर नूरियाबाद के पास बस में आग लग गई। यह घटना कराची के बंदरगाह शहर में हैदराबाद और सिंध प्रांत में जमशोरो शहरों से जोड़ने वाली M9 मोटरवे पर हुई। बाढ़ प्रभावित लोग इस बस में अपने घर वापस जा रहे थे। संसदीय स्वास्थ्य सचिव सिराज कासिम सुसरू ने भी मीडिया से बताया कि दुर्घटना में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जमशोरे के जिला आयुक्त ऑफिस से जमील ने बताया कि जो लोग बस में यात्रा कर रहे थे वे बाढ़ प्रभावित लोग थे, ये सभी दादू जिले के अपने घर वापस जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे। आग किस वजह से लगी थी अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक आग बस के पिछले हिस्से में लगी, जिससे पूरी बस में अपनी चपेट में ले लिया। आग से बचने के लिए कुछ यात्री बस में कूद गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दादू जिले के सिंध प्रांत के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में से एक है। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को निर्देश दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिससे उसे 2015 में खत्म कर दिया था। रद्द की गई थी धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना लग सकता है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को यह कहते हुए प्रावधान को हटा दिया था कि जनता को जानने का अधिकार सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के प्रभावित होता है। मुख्य न्यायाधीश की यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में कहा कि ऐसे सभी मामलों में जहां नागरिक अधिनियम की धारा 66A के उल्लंघन के लिए अभियोजन का सामना कर रहे हैं, उक्त प्रावधान पर संदर्भ हटा दिया जाएगा। हम सभी पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ राज्यों के गृह सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे अपने अपने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे पुलिस बल को निर्देश दे कि वे धारा 66A के कथित उल्लंघन के संबंध में अपराध की कोई शिकायत दर्ज न करें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश केवल धारा 66A के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में लागू होगा, और यदि संबंधित अपराध के अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया जाता है तो केवल धारा 66A पर संदर्भ और निर्भरता को हटा दिया जाएगा। पीठ ने कहा है कि केंद्र में वकील ने धारा 66A के तहत लंबित मामलों के संबंध में एक अखिल भारतीय स्थिति रिपोर्ट के रिकॉर्ड में रखा है। इसमें देखा है कि जानकारी से पता चलता है कि शीर्ष अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 66A वैधता के बारे में निर्णय लेने के बावजूद कई आपराधिक कार्यवाही अभी भी इस प्रावधान पर निर्भर करती है और नागरिक भी अभियोजन का सामना कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस तरह की आपराधिक कार्यवाही हमारे विचार में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ की इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के सीधे तौर पर है, और इसके परिणाम स्वरूप हमें ये निर्देश जारी करते हैं कि ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि 2000 अधिनियम की धारा 66A की इस अदालत ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के संविधान का उल्लंघन करने वाला पाया है और इस तरह की किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों के सामने ना खरीदने की अपील कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम देशों से पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर सकते हैं? तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसी कारण से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। वहीं हाल ही में दिल्ली के लाल कटोरे स्टेडियम में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सांसद प्रवेश वर्मा का नाम बिना उनके एक विवादित बयान पर भी कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है जो ज्ञान बांटता था कि अल्पसंख्यक मुसलमान जितने हैं जो रेहड़ी पर फल बेचते हैं, गुमटे में दुकान लगाते हैं, कहां से हिंदू लोग कोई खरीद मत करो। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों की क्या सोच है,
भारतीय जनता पार्टी वालों को बता दीजिए कि मुस्लिम देशों में जितना पेट्रोल डीजल आता है वहां से तेल लेना बंद कर देंगे। क्या खरीदे देशों में कितने ही भारतीय की आबादी स्थानीय लोगों से अधिक है? बड़े आंकड़े में लोग विदेश जाकर काम करते हैं। यदि ऐसा है तो करोड़ों लोग रोड पर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है जिस कारण से हमारे देश की आर्थिक हालत गड़बड़ा गई है, चौपट हो रखी है। चौथी बड़ी खबर, केरल से तिरुवल्ला में दो महिलाओं की बलि चढ़ाने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि मरने वाली दोनों महिलाओं को पोर्न फिल्मों के एक्टिंग लालच देकर बुलाया गया था। त्रिशूर के वडाक निचेरी के रहने वाले 39 वर्षीय रोजलिन मानव बलि की पहली शिकार थी। उसकी बेरहमी से हत्या करने के बावजूद जब आरोपी कपल भागवल सिंह और उनकी पत्नी लैला ने धाना लाभ नहीं हुआ, तब एजेंट और तीसरे आरोपी शिहाब उर्फ मोहम्मद शफी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका अभिशाप अभी गया नहीं है, यानी एक और मानव बलि देनी होगी। उनका दूसरा शिकार 52 वर्षीय पक्षा थी, जो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पिन्ना ग्राम की मूल की निवासी थी। भागवल सिंह और उनकी पत्नी लैला अपने घर पर पठान थिट्टा जिले में अमर मुल्ला के पास एक मसाज सेंटर चलाते थे। कोचिस पुलिस ने आयुक्त सी एच नाग राजू के अनुसार कपल के दोनों महिलाओं को मार डाला और दफन ना दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने शुरुआत जांच के सामने आया है कि मारी गई महिलाएं लॉटरी बेचती थी। सेल वुमेन पक्षा और रोसली की शिहाब उर्फ मोहम्मद शफी ने कथित तौर पर एक अश्लील फिल्म के अभिनयन के लिए 10 लाख रुपए का परिश्रामिक की पेशकश की थी। जब दोनों एंथुलर स्थित आरोपी का कपल भगवल सिंह और लैला के घर पहुंचने के बाद दोनों महिलाओं को बिस्तर में बांध दिया गया, सिर काटने से पहले उन पर कथित तौर पर हथौड़े से हमला किया गया था। आयुर्वेदिक चिकित्सक भगवल सिंह ने पत्नी लैला, जिसके बारे में माना जाता है कि वह काला जादू और कर्मकांडों में शामिल थी, ने कथित तौर पर दोनों सिर कलम कर दिया। पांचवी बड़ी खबर, ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक आपत्तिजनक ट्रेंड चला है। पूरा दिन आम आदमी पार्टी को घेरा गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते थे, जब अनफॉलो कर दिया है केजरीवाल के जिस अकाउंट को फॉलो करने पर बवाल है। वो कथित तौर पर एक पॉर्न स्टार का है, कथित तौर पर इसलिए कि कई पैकेट चेक्स ने बताया है कि ये अकाउंट पहले किसी और नाम से था, लेकिन जनता में ये बात फैले। इससे पहले तो कीवन ने तुल पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल और पॉर्न स्टार, फिर ढेरों मीम्स बने, ऐसे मीम्स जो दिखा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई आधारिक बयान नहीं आया, लेकिन कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के नाम से इसे जांच की जा रही है। बूम लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इस अकाउंट के नाम पहले वेस्टेंड वीडियोस था और उससे पहले चिल्ड्रन डूडंग शिट। इस अकाउंट से पहले फनी वीडियोस डाले जाते थे। रिपोर्ट से पता चला है कि अकाउंट का यूजर नेम और नाम बदलने के बाद 7 अक्टूबर से इस पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाला जा रहा है। अप्रैल 2022 में यह अकाउंट बनाया गया था। 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। अकाउंट का नाम एम्स नाम से है। एम्स के एक एडल्ट एक्टर्स है, उन्हें और दिल्ली के मुख्यमंत्री से जोड़कर कई मीम्स बने। अब इसी इस अकाउंट में से एक और ट्वीट आया है केजरीवाल के टैग करके। ट्वीट में लिखा है कि केजरीवाल उनके ओनली फैंस अकाउंट में सब्सक्राइबर हैं। ओनली फैंस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां अल्ट कॉन्टेंट को सब्सक्राइबर्स के आधार पर देखा दिया जाता है। अभी तक इस मामले पर केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। छठी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेताओं की बुधवार को दिल्ली की मुलाकात हुई। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी के नेता ओम माथुर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। पिछले दिनों ओम माथुर के ऑपरेशन के बाद उनसे मिलने घर पहुंचे अमित शाह ने माथुर की कुछ लेक्षण से भी जानी। दरअसल दोनों नेता गुजरात की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं और दोनों इसे नजरिए से देखते हैं। ओम माथुर लंबे समय तक गुजरात की बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से अच्छा तालमेल भी रहा है। इसी तालमेल के चलते गुजरात ने पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मजबूत पकड़ बनाई। गुजरात के चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सातवीं बड़ी खबर, गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। उससे पहले सी वोटर ने गुजरात के सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे किया है। गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। गुजरात में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े चेहरे लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है। गुजरात की कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे बीजेपी के सत्ता छीन जाए।
इस बार गुजरात चुनाव को सीएम केजरीवाल को एंट्री ने रोचक बना दिया है। गुजरात में आप भी लगातार अपनी जमीन को मजबूत करने की जुटी हुई है। गुजरात में पहला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर लोगों के सामने कई सवाल रखे, उस पर उसका जवाब जाना। आइए इस ओपिनियन पोल में जानते हैं कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में किसे कितने सीटें मिलेगी और क्या मुद्दा रहेगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात के लोगों को बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा माना है। गुजरात में 31% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि गुजरात में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद बुनियादी सुविधाएं 16%, किसान से जुड़े मुद्दे 15%, महंगाई को 8%, कोरोना से कम को लेकर 4%, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार 7%, राष्ट्रीय मुद्दे को 3%, लोगों ने और अन्य मुद्दे को 13% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। आठवीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और पार्टी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के मोहर्रम वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने मोर्चे खोल दिया है। बीजेपी ने उन पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। खड़गे ने मीडिया की एक सवाल के जवाब में कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। दरअसल उनसे मीडिया ने सवाल किया था कि कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन होगा, तो खड़गे ने जवाब दिया कि पहले यह वाला आंतरिक चुनाव तो निपट जाए। इसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है कि मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। इस बयान को लेकर खड़गे पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पूरी दुनिया में मुहर्रम मुसलमानों के लिए उत्सव का नहीं बल्कि दुख और शोक का महीना है। खड़गे का बयान मुसलमानों को अपमानित करने वाला है। इसके अलावा बीजेपी आईसीएल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके खड़गे बयान के असंवेदनशील करार दिया और कहा कि लगता है कि साल 2024 तक कांग्रेस के वजूद में रहना मुश्किल हो गया है। नौवीं बड़ी खबर, शहर के सामलियाजी चिकित्सालय के महिला मेडिकल वार्ड में भर्ती एक महिला को समय से पूर्व प्रसव हो गया। वही महिला ने बेहद कमजोर शिशु को जन्म दिया जिससे FBNC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कृष्णा पत्नी शंकर भील निवासी नया गांव गीला नीमच वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में मजदूरी कर रही थी, जिससे मंगलवार को बुखार होने के कारण संवालियाजी चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। कृष्णा 6.5 महीने की गर्भवती थी। बुधवार को उपचार के दौरान उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसकी स्थिति को देखते हुए वहां मौजूद महिला नर्सिंग कर्मियों ने उसका प्रसव कराया। कृष्णा ने करीब 100 ग्राम वजनी शिशु को जन्म दिया, जिसके गंभीर अवस्था में FBNC वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर जयसिंह मीना उसकी जांच कर प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन परिजनों ने बच्चे को लेने से मना कर दिया। इस पर उसका इसी वार्ड में उपचार शुरू कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा आज भी जारी है, जिसके चलते समय से पूर्व और कमजोर बच्चों को जन्म होता है। इसके साथ ही प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु होने के प्रकरण भी सामने आते रहते हैं। दसवीं बड़ी खबर, बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बुधवार को हैरान रह गए। उनका दावा है कि उनके साथ चमत्कार हो गया। तेज प्रताप ने वीडियो जारी कर बताया है कि बुधवार को जब वे अपने कार्यालय में पहुंचते हैं तो वहां एक लिफाफा मिला। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनकी शिरडी की साई बाबा में बेहद आस्था है। उन्होंने कहा कि शिरडी के साई बाबा पर उनका विश्वास अटूट हो गया। शिरडी के साई बाबा चमत्कारी पुरुष थे। तेज प्रताप ने कहा कि दिल से याद करने पर साई बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि वे बुधवार को टीवी पर साई बाबा का सीरियल देख रहे थे। इस एपिसोड में साई बाबा चमत्कारी भभूत देखकर अपने भक्तों पर कष्ट दूर कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में भी सवाल पैदा हुआ कि क्या साई बाबा सच में चमत्कार कर सकते हैं। तमाम बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।